रुक करेंगे लाहौर का। इमरान खान की दो मुकदमात में अबूरी जमानत पर समात में अहम पेशरफ्त। इमरान खान की हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए लगाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक रोज़ की इस्तदा मंजूर कर ली। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, सिर्फ एक रोज़ के लिए इस्तदा मंजूर की गई? जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने इमरान खान की के खिलाफ थाना रेस कोर्स में दर्ज दो मुकदमात में अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। तो इस मौके पर इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं और इस हवाले से उन पर पहले भी हमला हो चुका है, लिहाजा इमरान खान की जो आज की समाअत है वो वीडियो लिंक के जरिए की जाए और उनकी हाजिरी भी वीडियो लिंक के जरिए लगाई जाए। इस मौके पर जो सरकारी वकील थे उन्होंने इस दरख्वास्त की मुखालफत की। ताहम अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इमरान खान के वकील की दरख्वास्त मंजूर कर ली और आज के रोज की जो हाजिरी है वो वीडियो लिंक के जरिए लगाने की इस्तदा भी मंजूर कर ली है। तो कुछ ही देर बाद अदालत इस हवाले से बिल्कुल ये फैसला सुनाएगी कि इमरान खान की कितने रोज तक अबूरी जमानत में तौसीक की गई। इसके साथ साथ इमरान खान के वकील ने ये भी नुकता उठाया कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात झूठे और बेबुनियाद हैं और सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना है, तो इसीलिए इन मुकदमात के हवाले से अदालत इमरान खान के जो मुकदमात है उसकी वीडियो लिंक के जरिए समाअत की जाए। तो अदालत ने कहा कि आप सिर्फ आपने दरख्वास्त सिर्फ आज के हवाले से दी है तो इसीलिए आज की जो हाजिरी माफी है वो मंजूर की जाती है और वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान की हाजिरी लगाई जाएगी। ठीक है अशफाक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम खबर, एक और अहम मामला, उसके हवाले से भी हम आपसे मालूमात हासिल करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट से खबर है, उस्मान बुज़ार की मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत एंटी करप्शन को उस्मान बुज़ार को हिरासा और गिरफ्तार करने से रोके। वकील की जानिब से इस्तदा की गई, कानून सबके लिए बराबर है, जमानत लेनी है तो अदालत पेश हो। जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानिब से रिमार्क दिए गए। उस्मान बुज़ार इस वक्त दूसरे शहर में मौजूद हैं और उनकी तबीयत नासाज है, वकील की जानिब से यह कहा गया। तो इशफाक, इस खबर के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त पर समाअत की। उस्मान बुज़दार ने दरख्वास्त में ये मौकफ इख्तियार किया था कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात उनको फराहम नहीं की जा रही और खदशा है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसकी बुनियाद पर अदालत जो मुतलका अथॉरिटीज हैं उनको गिरफ्तारी से रोके। इस मौके पर शेख ने रिमार्क दिए कि दरख्वास्त गुजार उस्मान बुज़दार कहाँ है, तो उस्मान बुज़दार के वकील ने बताया कि उस्मान बुज़दार दूसरे शहर में हैं और आज अदालत नहीं पेश हो सकते। इस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, उस्मान बुज़दार खुद आएंगे तो उनको रिलीफ मिलेगा, अगर खुद नहीं आते तो रिलीफ अदालत नहीं देगी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने यह भी कहा कि अदालत चाहती है कि आप सब लोग सिस्टम के अंदर आए ताकि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर अदालत ने कार्रवाई 17 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर उस्मान बुज़दार को पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। ठीक है अशफाक, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।